हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टरनून से, मॉर्निंग से नहीं कर पाई मैं। तो मेरा लंच हो गया है, मैं वही किचन क्लीनिंग कर रही हूँ, तो मैं सोची आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करूँ। इस तरह से मैं डेली किचन क्लीनिंग करती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करते रहते हमको पता भी नहीं चलता और ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। तो डीप क्लीनिंग हम महीने में एक बार करें तो भी बस हो गया, अगर इस तरह से करते रहेंगे तो। हम तो वही मैं सोची आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर दूं आज। तो मैं ये सब कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो दोपहर में काम हुआ मेरा, तो सब सो गए थे, अभी छुट्टी है सबकी, सब बोर हो रहे हैं, किसी का टाइम पास नहीं हो रहा है। आदि आरुष बाहर भी नहीं निकलने पा रहे हैं, कोई भी घर से बाहर नहीं जा रहा है, तो बहुत बोर हो रहा है। इनके पापा को तो आदत है सुबह से शाम तक बाहर रहने की, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे हैं। तो वही हम लोग ने खाना खाया, इसके बाद सब सो गए थे, एक डेढ़ घंटे सोए, तो अभी उठी हूँ। ये लोग नाश्ता कर रहे हैं आदि और आरुष, और कपड़े सूख गए थे तो मैं सोची कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, तो वही कर रही हूँ मैं। टाइम बिल्कुल नहीं पास हो रहा है, जिसको रोज़ बाहर जाने की आदत है वो घर में दो दिन भी नहीं बैठ सकता है, पर अभी क्या करेंगे, थोड़ा दिन तो रहना ही पड़ेगा घर पे। बच्चे तो एकदम बोर हो गए हैं, उनको तो समझ में भी नहीं आता इतना। आरुष तो बहुत ज़िद करते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं मम्मा बाहर चलो बाहर चलो, ऐसे में कहीं लेके भी नहीं जा सकते। बोलो कुछ, बोलो हाय, बोलो हाय। ये मेरी फ्रेंड की बेटी है सिया, ये डेली घर पे आती थी और एक दो घंटे तो ये लोग साथ में खेलते ही थे डेली, पर अभी घर से बाहर कोई नहीं जा रहा, सब घर में ही है। तो आ जाइए थोड़ा, तो देखो कितनी खुश है, आदि आरुष भी खुश हैं सिया के साथ में, तीनों खेल रहे हैं मस्ती कर रहे हैं। तो मैं बोली चलो थोड़ा शूट कर लेती हूँ, बच्चे इतने खुश हैं एक साथ में खेल रहे हैं। अभी शाम का टाइम है, 6 o'clock हो रहा है, देखिए मस्ती चालू है। ये लोग साथ में मिलते हैं तो फिर जाने का नाम नहीं लेते हैं, थोड़ी देर में मैं जा रही हूँ, डिनर बनाने का टाइम हो रहा है, तो रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं।
देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू बैंगन मटर टमाटर की ग्रेवी। तो उसके लिए मैं सब कट करके रख ली हूँ और मसाला तैयार करने के लिए मैं ली हूँ प्याज लहसुन हरी मिर्च, उसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो देखिए मैं कढ़ाई रख दी हूँ और उसमें मैं डाली हूँ मस्टर्ड ऑयल। तेल गरम हो रहा है तब तक मैं ये सब कट कर लेती हूँ। प्याज को मैं बड़े बड़े टुकड़े में कट करी हूँ, बहुत बारीक नहीं कट करी हूँ। अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी जीरा और ये पंचफोड़न, उसमें सौंफ है कलौंजी है और राई है। तो पंचफोड़न अच्छे से फूटने लगा है, अभी मैं उसमें प्याज डाल दूंगी और प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ही भूनना है। देखिए प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है तो अभी मैं उसमें ऐड करूंगी बैंगन। बैंगन को अच्छे से फ्राई करना है। देखिए बैंगन अच्छे से फ्राई हो चुका है तो उसमें मैं ऐड कर दूंगी वो पीसे हुए मसाले। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और साथ में मैं डाल दूंगी कटे हुए टमाटर। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे। इसको थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहना, नहीं तो ये पकड़ने लगेगा नीचे से। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हरी मटर। अभी देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। यार उस मुझे बीच बीच में आके परेशान करते रहते हैं और मैं अभी इसमें ऐड कर दी हूँ नमक। साथ में मैं आटा भी लगा लूँगी और इसको लो फ्लेम पे 5 मिनट पकने देंगे हम। यार उस बीच बीच में आके परेशान करते रहते हैं। तो देखिए सब्जी ऑलमोस्ट बनके तैयार हो गई है और मैं साइड में तल रही हूँ पूरियाँ। आर उसको पूरी खानी थी तो मैं सोची चलो पूरी ही बना लेती हूँ आज।
अभी बच्चे घर पे हैं तो थोड़ा तो कुछ उनको यम्मी यम्मी बना के खिलाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर का तो कुछ भी खाने नहीं मिल रहा है अभी। डिनर हमारा हो गया, किचन भी क्लीन कर ली, अभी धुल रही हूँ मैं बर्तन। अभी टाइम हो चुका है 10:30 और मेरा डिनर हो गया है और मैं साइड में रखी हूँ दूध गर्म होने के लिए। तो मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हाँ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड गुड नाइट।